नोटबंदी के बाद अब तक 6,20,00,000 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। सरहदी राज्यों से बरामद हुए हैं नकली नोट। 500 और 2,000 के नकली नोट जब्त किए गए। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है। और गुजरात में 5,70,00,000 की कीमत के नकली नोट जब्त किए गए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल से 30,00,000 की कीमत के नकली नोट मिले हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है। 500 और 2,000 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। नोटबंदी के बाद अब तक 6,20,00,000 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, और क्या जानकारी इस बारे में, नकली नोट बरामद किए गए हैं गृह मंत्रालय का राज्यसभा में, ये इस पे और क्या खबरें? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, इसका जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने इसका जवाब दिया गृह राज्य मंत्री ने, कि अभी हाई क्वालिटी के नोट सीमा पार से इधर नहीं आ रहे हैं। कोई भी इन 2,000 के नोट की अभी तक कॉपी नहीं कर पाया है, अभी मतलब उनको बना नहीं पाया है। और उन्होंने यहां तक कहा है सरकार की ओर से कि जो 11 में से 7 सिक्योरिटी फीचर की कॉपी होने का जो मुद्दा जिसका सवाल था, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तक सिक्योरिटी फीचर एक भी कॉपी नहीं हुआ और ज्यादातर नोट ये फोटो कॉपी के तौर पर थे या फिर इस तरह बनाए गए थे कि उनको आसानी से पहचाना जा रहा था। हालांकि ये एक संख्या बड़ी है डिमोनेटाइजेशन के बाद 6,20,00,000 के नोट हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर सरकार ने किया है साफ कि एक भी सिक्योरिटी फीचर की अभी कॉपी नहीं हुई है।